Can you see it's broken? Many of you were asking about this camera that I use to shoot my vlogs or my normal videos, and this is the Canon 200D that I bought a few weeks back, and I'm using this camera for almost around one and a half month. So many of my viewers were asking different question about this camera, but the common question was kya ye worth karta hai 40,000 ka, matlab 40,000 ka camera agar aap khareed rahe ho to 40,000 worth kar raha hai nahi kar raha hai camera mein. So guys, agar aap log mere se puchoge ki kya ye camera worth karta hai nahi karta 40,000 ka, to main bolunga definitely yes, because jo ye video quality jo shoot karta hai and 1920 into 1080 60 fps mein agar ye shoot kar raha hai, so this is the better vlogging camera for all of you, those who want to shoot vlogs or those who want to shoot any kind of YouTube videos, because इस price range में इससे बढ़िया कोई camera अभी available नहीं है market में, and Canon is ruling the video market, and अगर आप लोगों को photography वगैरह करनी है तो then you must opt for the Nikon one, and I don't know the price range of the photography camera, मेरे को कोई idea नहीं है, and मैं बस video quality मेरे को चाहिए था कि बस मैं video shoot कर पाऊँ and उसमें मेरे को 60 frames मिल जाए और वो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो. बट इसके अलावा भी मैंने एक और कैमरा थोड़ा सा अपने विशलिस्ट में रखा था, वो था कैनन का वो कैमरा था, उस कैमरा का नाम था कैनन G7X Mark II. आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा, एंड क्यों नहीं सुना होगा, बिकॉज बहुत सारे यूट्यूबर्स वो कैमरा यूज करते हैं. अगर आप लोगों को पता होगा मूव व्लॉग्स भी वही कैमरा यूज करते हैं, कैनन G7X Mark II. सो इफ यू वांट मी टू समराइज दैट कि आप लोगों को ये वाला कैमरा खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, मैं बस सिंपल लैंग्वेज में बोलूंगा कि अगर आपको वीडियोग्राफी करनी है, यूट्यूब वीडियोज बनानी है, सो यू मस्ट ऑफ फॉर दिस कैमरा, बिकॉज इस प्राइस रेंज में कोई और कैमरा नहीं है जो आप लोगों को ये वाली क्वालिटी दे पाए. एंड करेंटली इट्स 7:30 इन द इवनिंग, एंड अभी बस रोहन का कॉल आया था मेरे पास कि वो बस आ रहा है यहाँ पे, एंड उसको कुछ काम है बेसिकली, उसको अपने इंस्टाग्राम के लिए एक वीडियो शूट करनी है, सो देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है. एंड दोज हु आर माय ओल्ड व्यूअर्स, आप लोगों को पता है कि मेरे को बेड पोजिशन वगैरह, कंप्यूटर टेबल की पोजिशन अपने रूम में चेंज करना मतलब बहुत पसंद है, मतलब मेरे को कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं चाहिए रूम में. आज मेरे बेड की पोजीशन यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे है, एंड मेरी कंप्यूटर टेबल यहाँ पे रखी हुई, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये जो कंप्यूटर टेबल है, एंड मेरे को एक चीज और चाहिए थी कि जो मेरे जो पीसी में लैन केबल जा रही है यहाँ से, ये जो वायर दिख रही है आप लोगों को, ये यहाँ बेड के नीचे से आ रही है, एंड वो रहा मेरा वाईफाई का राउटर जो आप देख सकते हो वहाँ पे. एंड अब मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ जो मेरी लैन केबल है वो डायरेक्ट वहाँ पे मेरे को मिले, मेरे राउटर के साथ में. एंड जब भी मैं अपने गेमिंग चैनल में कभी भी स्ट्रीम करता हूँ तो मेरे को हमेशा नेट का इशू आता है, तो यहाँ से मैं लैन केबल डायरेक्ट लगा सकूँ अपने पीसी पे, एंड कभी भी कुछ भी छोटी मोटी दिक्कत हुई तो मैं वहीं से सॉर्ट कर पाऊँगा, यहाँ से मेरे को उठना नहीं पड़ेगा कम से कम टेबल से. एंड ये बेड पूरा के पूरा बेड मेट्रेस में यहाँ पे लगाऊंगा, और फाइनली ये पूरा के पूरा क्लीन दिखेगा, प्लस जो एक वायर जाती थी यहाँ फ्लोर के थ्रू वो कम से कम हट जाएगी. सो गाइस, करेंटली अभी रोहन यहाँ पे आ चुका है, एंड जैसे कि मैंने पहले बताया, वो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए एक स्टोरी या जो भी वीडियो के लिए एक कहन लाया, उसका जो इंस्ट्रूमेंट है वो रहा, एंड एक गाना हम लोगों ने अभी चूज करा, बजा एक बार ये वाला गाना, ये वाला अभी जो नया है टॉप ट्रेंडिंग 20 पे, अभी गुजराती होंगे जो उनको समझ आ गई कि बच गया है. तो ये बेसिकली बजेगा इस वाले इंस्ट्रूमेंट पे, बेसिकली वाला गाना सिलेक्ट करें और या पीछे बज रहा है एंड वो उस पर बजाएगा, जो गुजराती होगी उनका समझ आएगा बस. अब इसको पूरा ही पूरा उस पर हमको शूट करना है इस वाले कैमरा से, तो इंस्टाग्राम स्टोरी में देख लेना कि क्या हम लोगों ने फाइनल शूट करा है रोहन की इंस्टाग्राम स्टोरी पे, उसकी आईडी यहाँ पे ये फॉलो कर लेना उसको. तो गाइस, आज का पूरा दिन बहुत बहुत इंटरेस्टिंग गया, बट ये वाली जो वीडियो अभी शूट कर रहा हूँ ये मैं बहुत मतलब सुबह स्टार्ट करने वाला था बेसिकली वाला व्लॉग मैं, बट उसके बाद मैं पबजी खेलने बैठ गया था 2 बजे के आसपास, तो उसके बाद शाम तक तो बिल्कुल बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला. उसके बाद मैंने एक वीडियो शूट करी थी अपने गेमिंग चैनल के लिए,
प्लस फिर मैंने सोचा कि ये व्लॉग फाइनली स्टार्ट करते हैं एंड उसके बाद रोहन का काम कराने के लिए बहुत बहुत टाइम लग गया एंड अगर रोहन तो वीडियो देख रहा है साले तो कल्प्रेट है ये वाली वीडियो को थोड़ा एक्सटेंड करवाने के लिए। और यहाँ पे अभी मेरे को सारे के सारा सेटअप बेसिकली ठीक करना है। ये जो मेरा पीसी यहाँ पे रखा हुआ है ये पूरा आएगा यहाँ पे एंड जो मेरा जो बेड है ये पूरा ही पूरा यहाँ पे शिफ्ट होगा इस वाली जगह पे, बेसिकली वहां पे नहीं यहाँ पे इस कॉर्नर पे शिफ्ट होगा ये पूरा पीसी मेरे को। इसलिए जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मेरा जो वाईफाई का राउटर है वो उस साइड में पड़ा हुआ है एंड भाई पूरा मेस्ड अप सीन रहता है मेरा। अभी मेरी अगर टेबल अगर मैं अभी दिखाऊँ आपको मेरी पीसी टेबल देखो मतलब पूरी मेस्ड अप रहती है। सो अभी यहाँ पे सबसे पहला जो काम मैं करने वाला हूँ वो है कि पीसी को सबसे पहले सारी केबल्स जो है मेरी पूरी मेस्ड अप पड़ी हुई है उन सबको पहले वहां से निकालूं सीपीयू से प्लस मॉनिटर वगैरह को सीपीयू को सबको साइड रखूं एंड जो मेरे जो टेबल क्लोथ है यहाँ पे उसको भी मेरे को पूरा की पूरा साफ करना है बिकॉज बहुत ही ज्यादा गंदी हो चुकी है। मैंने लास्ट टाइम पता भी नहीं मैंने उसको कब उसको धुलवाया था धोया था बेसिकली एंड अभी करते हैं यहाँ पे पूरा की पूरा पीसी को डिटैच एंड उसके बाद यहाँ से मैं पूरा ये बेड है पूरा शिफ्ट करूंगा इस वाले एरिया पे। So, यहाँ पे पूरा ही पूरा सेटअप रेडी है बेड के लिए। यहाँ पे पूरी की पूरी ओपन जगह खाली हो चुकी है बिल्कुल यहाँ पे एंड टेबल मैंने साइड कर दिया है बिकॉज वहां पे थोड़ा सा स्पेस बने बेड को पूरा यहाँ पे शिफ्ट करने के लिए। प्लस मैंने सारी की सारी अपनी पीसी की जो सेटअप वगैरह था मैंने बिल्कुल कॉर्नर पे रख दिया है सो ताकि वो बीच में ना आए बेसिकली कुछ टूटे नहीं ताकि अगर कुछ भी वहां पे टूटा तो गेमिंग चैनल में ब्रेक आ जाएगा थोड़ा सा बिकॉज मेरे पास वैसे ही एक मॉनिटर कम है अभी स्ट्रीमिंग के लिए एंड कुछ और कम हो मेरे को यहाँ पे और चाहिए नहीं कोई भी दिक्कत। सो गाइस बेड की शिफ्टिंग हो चुकी है एंड ओह गॉड बहुत ज्यादा थक गया हूँ अभी बिकॉज फैन बंद करके मेरे को करना पड़ रहा है शूट बिकॉज अगर फैन बंद नहीं होगा तो फिर वीडियो क्वालिटी तो ठीक आएगी बट ऑडियो क्वालिटी जो इसके ऊपर माइक लगता है वो माइक है नहीं अपने पास जल्दी खरीद लेंगे कसम से। ये काम करने से अच्छा मैं दो या तीन मैच क्रिकेट के एक दिन में खेल लूं कसम से उसमें ज्यादा नहीं थकूंगा बट इसमें थक गया। सो फाइनली हमारा बेड का सेटअप कुछ ऐसा दिख रहा है जूम आउट यहाँ पे कॉर्नर पे बिल्कुल कॉर्नर पे मैंने लगाया है ताकि यहाँ पे मेरे को रूम में कुछ स्पेस ज़्यादा मिले एंड ये जो टेबल अभी मैं यहाँ पे रखूँगा ये पोस्टर के जस्ट बिल्कुल सेंटर पे और राउटर का जो केबल है वो वहाँ लगेगी एंड जो एक्सटेंशन केबल है पीसी की वो लगेगी इस वाले पोर्ट पे। सो गाइस आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये तो यार अपना रूम सेटअप कर रहे हैं बट फिर भी यहाँ पे क्यों ये वीडियो क्यों बना रहा है बट मेरी सारी व्लॉग्स जो भी है वो सारे के सारे रॉ रहते हैं। मैं कुछ भी करता हूँ इंटरेस्टिंग अपने रूम के साथ या अपने पीसी सेटअप के साथ या कुछ भी कहीं भी घूमने जाते हो कुछ भी होता है लाइफ में तो मैं वो शूट करके व्लॉग एक बना देता हूँ और मेरे व्यूअर्स को वो पसंद है। सो जब तक वहाँ आप लोगों को पसंद आएगा ये सारी चीज़ें मैं तब तक वीडियो बनाता रहूँगा। सो एक बार और कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगर आप लोगों को और कुछ व्लॉग वगैरह में ऐड ऑन करनी हो कुछ चीज़ें मेरे चैनल पे तो आप लोग क्या रिकमेंड करोगे एंड आप ऐसे बहुत लोगों ने मेरे को रिकमेंडेशन दी थी कि मैं डेली व्लॉग्स करूँ। सो डेली व्लॉग्स तो यार पॉसिबल नहीं है बिकॉज मैं कॉलेज वगैरह जाता हूँ तो वहाँ पे इतना कुछ इंटरेस्टिंग शूट वगैरह नहीं हो पाता बिकॉज मैं कोई ऐसे वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर में जो होता है कॉलेज वैसे कोई कॉलेज में नहीं जाता एंड मैं अपने कॉलेज के ऊपर भी एक सोच रहा हूँ कि एक वीडियो बनाऊँ डेडिकेटेड वीडियो कि कैसी कॉलेज है मेरी एंड उस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मैं कौन से कॉलेज हूँ। पहली बार बाय द वे मैं किसी वीडियो में बताऊंगा कि मैं कौन से कॉलेज में हूँ बेसिकली। सो बहुत होगी बातें अभी मेरे को वाली वीडियो एडिट भी करनी पड़ेगी सो पहले तो ये पीसी की टेबल अपनी सेट करूँ वरना तो एडिट तो क्या ही हो पाएगी। डन विद द कंप्यूटर टेबल एज वेल बेड पहले हो गया था कंप्यूटर टेबल हो गई है रूम पूरा सेट हो गया है थम्स अप। सो गाइस दोज हु वर आस्किंग अबाउट द डेली व्लॉग्स अगर डेली व्लॉग्स में अगर अपलोड करूँ तो क्या कुछ वो सक्सेसफुल हो सकता है जो मेरा जॉनर है ऑफ मेकिंग द व्लॉग मेरे से ज़्यादा आप लोगों को पता होगा कि मैं कैसे व्लॉग बनाता हूँ और जहाँ पे जब भी मैं कॉमेंट सेक्शन में गो थ्रू करता हूँ तो मेरे को सारे के सारे थम्स अप वाले व्लॉग के कॉमेंट मिलते हैं बट
एक भी अगर मेरे को नेगेटिव कमेंट मिलेगा ना कि जैसे कि तुम इस ये चीज ना करके तुम ऐसा कर सकते हो, तो मैं शायद थोड़ा सा बेटर इंप्रूव करूं, बिकॉज विदाउट एनी काइंड ऑफ द फीडबैक कमेंट मैं मतलब ग्रो नहीं कर सकते इस वाले चैनल पे. ये आप लोगों को भी पता होगा इफ एनी ऑफ यू द यूट्यूबर इज वॉचिंग मी, बिकॉज कोई भी चीज़, कोई भी बंदा सारी चीज़ें ठीक नहीं कर सकता, वो तो सबको पता है. बिकॉज मेरे को भी पता है कि मैं क्या चीज़ें गलत करता हूँ, वो मैं आगे आने वाली एक वीडियो में प्रॉपरली बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें मैं जानबूझ के भी मैं ठीक नहीं कर पाता उस चीज़ को, बट होपफुली वो चीज़ ठीक हो जाए आने वाले फ्यूचर में. बट एज ऑफ नाउ मेरी ख्याल से तो अपनी जो ये वाले चैनल पे व्लॉग सीरीज है वो अच्छी खासी जा रही है, एंड आई नीड ऑल ऑफ योर सपोर्ट. बस जो आप लोग सपोर्ट दिखा रहे हो ऐसे दिखाते रहो एंड वॉच ऑल ऑफ माई वीडियोज, बस मैं तो यही कहूंगा. सो गाइस आज का दिन मेरे लिए तो अभी खत्म नहीं हुआ है, बिकॉज मेरे को अभी पबजी मोबाइल भी खेलनी पड़ेगी अपने स्क्वाड के साथ, अपने जो टीममेट्स हैं उनके साथ. प्लस थोड़ा बहुत गेम अगर आप खेलते हो तो आप लोगों को खेलती रहनी चाहिए, बिकॉज अगर आपको उसमें कुछ ना कुछ लेवल आप लोगों को अचीव करना तो खेलनी पड़ेगी आपको गेम. और मेरे को पसंद है यार पबजी मोबाइल खेलना, तो मैं वो खेलूंगा अभी रात को लेट नाइट. प्लस ये व्लॉग मेरे को आज एडिट करना है, एंड होपफुली आज तो आज क्या डेट है, आज है 1 सितंबर और आज है सैटरडे एंड कल है संडे, तो कल मेरे को मॉर्निंग में जाना है अपने क्रिकेट मैच के लिए. प्लस उसके बाद शायद मैं व्लॉग करूं, पूरे दिन का तो नहीं बट इवनिंग के बाद का, जब मैं मैच के बाद वापस आ जाऊंगा उसके बाद शायद मैं व्लॉग करूंगा. सो कल मैं व्लॉग शूट करके एडिट करके रात को मंडे को मैं आपके लिए अवेलेबल कर दूंगा वो यूट्यूब पे. एंड मेरे को एक चीज अच्छी लगती है अपने बारे में कि मैं मतलब जो काम में लग गया ना एक बार तो लग ही जाता हूँ. मतलब एडिट आज मैंने स्टार्ट करी है, ठीक है, तो एडिटिंग खत्म करके छोड़ूंगा चाहे 5 बज जाए चाहे 6 बज जाए, फिर मैं किसी को नहीं देखता चाहे वो कोई भी काम हो. सो मेरे लिए काम से बड़ी और कोई अभी तो चीज नहीं है. प्लस मैं सोच रहा हूँ कि इसको और आगे कंटिन्यू करूँ, एंड K18 जो ये वाला चैनल एंड गेमिंग चैनल भी जो मेरा है उसको मैं कहीं और थोड़े अच्छे स्टेज तक ले जाऊँ. एंड व्लॉगिंग चैनल मेरे लिए तो भाई एक टाइप का मतलब ड्रीम कम ट्रू है एक टाइप का, बिकॉज गेमिंग चैनल तो मैंने जस्ट एज अ हॉबी स्टार्ट करा था, बट ये जो K18 एक चैनल है जो मेरा ये बनाने का जो मोटिव था मेन, ये मेरे को अपनी जो लाइफ है उसको एक रिकॉर्ड करके एक चैनल पे पूरा पोर्ट्रे करने का कोशिश है. एंड होपफुली आप लोगों को पसंद आ रही होगी अभी तक जितने भी मैंने अभी इसमें व्लॉग्स डाले हैं. प्लस मैं जो एक चीज़ अभी सोच रहा हूँ कि एक वीक पे एक वीडियो मैं Q&A करूँ, और अगली वीडियो एक Q&A होने वाली है. शायद मैं कोई एक डे सोच लो कौन से डे में मैं Q&A कर सकता हूँ, और उस दिन वीडियो ना आया तो आप लोगों को पूरा हक है मेरे को कमेंट सेक्शन में गालियां देने के लिए एंड डिसलाइक करने के लिए उस वीडियो में जब मैंने मतलब मान लो कि आपने वेडनेसडे बोला, और ये भी आप लोग ही यहाँ पे चूज करोगे, मैं चूज नहीं कर रहा, ठीक है, डे भी आप लोग चूज करोगे नीचे कमेंट सेक्शन में. एंड आप मेरे को बताओ कि आप लोगों को कौन से दिन Q&A चाहिए, एंड आपके क्वेश्चन या तो फिर ट्विटर के हैंडल मेरा ये रहा, इंस्टाग्राम के हैंडल ये रहा, आप लोगों को ही कमेंट करना है कौन से डे को आपको चाहिए. उस दिन नहीं आया तो उसके अगले वाले ब्लॉग पे आप लोगों को पूरा हक है मेरे को 100 डिसलाइक देने के लिए, 200 डिसलाइक करने के लिए. एंड उस टाइम पे मैं कुछ भी आप लोगों से वो नहीं सोच सकता कि आप लोग लाइक करोगे, बिकॉज मैंने वहाँ पे एक वीडियो मिस करी आप लोगों के लिए कोई एक डे में. सो आप लोगों को पूरा देता हूँ, आप एक डे सर्च करो, मेरे को इंस्टाग्राम पे बता सकते हो इंस्टाग्राम पे बताओ, बट एक कॉमन डे मैं वहाँ से चूज करूँगा कॉमेंट सेक्शन से, या तो इंस्टाग्राम पे या तो ट्विटर पे. एंड द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट विद मी इज द इंस्टाग्राम एंड ट्विटर. मेल्स के भी मैं इतने ज्यादा रिप्लाई नहीं करता, बिकॉज वहाँ पे सारे के सारे बिजनेस रिलेटेड सारे मेल्स होते हैं, एंड वहाँ पे मेल को रिप्लाई करना मैं इतना कुछ ज्यादा वो कम्युनिकेटिव नहीं समझता, बिकॉज कोई अगर व्यूअर मेरे को कम्युनिकेट करना चाहता है मेरे से तो इंस्टाग्राम इज अ बेटर वे, बल्कि ट्विटर मैं समझता हूँ कि ज्यादा बेटर है, क्योंकि मेरे को वहाँ पे कमेंट्स या तो फिर जो भी डीएम्स वगैरह वो कम आते हैं एज कम्पेयर टू इंस्टाग्राम. इंस्टाग्राम में भी मेरे पास बहुत सारे डीएम पड़े होते हैं जो मैंने अभी तक रीड भी नहीं करे हैं, और ट्विटर एक अच्छा खासा सा सोर्स है, आप लोग वहाँ पे भेज सकते हो, बिकॉज ट्विटर में मेरे व्यूअर्स इतने हैं नहीं, एंड आप लोगों को इजी कम्युनिकेशन वहाँ पे मिल सकती है. सो आई थिंक गाइस दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप यू हैव लाइक्ड इट. द फुल जो मेरा नया रूम सेटअप है वो कुछ ऐसा है, वो है मेन डोर रूम को एंटर करने का, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे एक पीसी है, उसके साइड में एक टेबल है छोटी सी, ये पूरा ही पूरा पर्दा है, वहाँ पे ये है बेड, एंड बस ऐसा ही कुछ है मेरा रूम अभी फिलहाल.
So I think guys you have liked this video and make sure to hit the like button, subscribe kar dena channel ko if you haven't did yet, if you like my vlogs and any kind of videos. Abhi main soch raha hu ki skit type ki videos main dalu Roman wagera ke sath. Wo by the way Delhi University mein ek society mein hai, pata nahi mere ko naam bhi main bhool gaya hu koi society mein, to wahan se mere ko thodi bahut help mil jati hai Roman ke through bhi ki main ek script type ki video bhi aap logo ko provide kar paun. And PUBG wali jo video thi meri wo puri puri scripted thi, jaise ki maine aapko pehle hi bataya tha, usme uska bhi bahut ज़्यादा वहाँ पे रोल था रोहन का, स्क्रिप्ट वगैरह एक्टिंग वगैरह. मेरे को तो इतनी एक्टिंग आती नहीं है, हम जैसे हैं वैसे ही पोर्ट्रे करते हैं कैमरा के सामने. सो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए एज ऑलवेज बाय बाय, टेक केयर.